हेलो दोस्तों, नमस्ते। सरोज की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो तरह की बहुत ही स्वादिष्ट चटनियाँ, जिन्हें आप इडली, डोसा, सांभर बड़ा किसी के साथ भी खा सकते हो। परंतु इन चटनियों के साथ आप कोई भी नाश्ते को भी सर्व कर सकते हो, नाश्ते का स्वाद बढ़ जाएगा। ये चटनियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं, तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कच्चे नारियल और चने की दाल की चटनी। हमने यहाँ पर एक छोटा वाला मिक्सर जार ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने मोटा मोटा काट कर लिया है। और अब जार में डाल देंगे 2 हरी मिर्ची, इनको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। और डालेंगे 1/2 कटोरी चने की दाल भुनी हुई, ये आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगी। इसे भी जार में डाल दिया है। अब हम डाल देंगे 1/2 कप कच्चा नारियल। आपके पास कच्चा नारियल ना हो तो आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हो। अब डाल देंगे 1/4 चम्मच काला नमक, इससे चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। और डालेंगे 2 चम्मच दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, दही ताज़ा ही होना चाहिए, नहीं तो चटनी में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। हमने सभी चीज़ों को एकदम बारीक पीस लिया है। इसे हम एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। चटनी हमारी गाढ़ी है, इसलिए जार में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और जार को साफ करके चटनी में डालकर मिक्स कर देंगे। हमारी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गई है। इस चटनी को आप ऐसे भी खा सकते हो, परंतु हम इसे और भी स्वादिष्ट बनाएंगे। इसमें हमें तड़का लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है। इसे हमने गैस पर रख लिया है, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच राई और साथ ही हम डाल देंगे 1 चुटकी हींग। राई को चटकने देंगे और डाल देंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च और साथ ही हम डाल देंगे 7 से 8 कड़ी पत्ते, ये भी हमने डाल दिए और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अब हम डाल देंगे 1/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च अच्छे कलर के लिए। आप नहीं डालना चाहें तो आप इसके भी कर सकते हो। फटाफट से तड़के को चटनी में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। हमारी बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम धनिया से गार्निश कर देंगे। लीजिए, हमारी बहुत ही स्वादिष्ट नारियल की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हमारी दूसरी चटनी बनाएंगे, हरे धनिए और पुदीना की चटनी। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सर जार, इसमें हम डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने मोटा मोटा काट लिया है, और 3 हरी मिर्ची, जिनको हम मोटा मोटा काट कर डाल देंगे। और अब साफ किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, इसके डंठल भी डालेंगे साथ में, और ये 1 मुट्ठी के करीब है। अब हम डाल देंगे 1/2 कप के करीब फ्रेश पुदीना के पत्ते। आपके पास फ्रेश पुदीना नहीं हो तो आप सूखा हुआ पुदीना भी यूज कर सकते हो। और अब डाल देंगे 1 कप चना दाल भुनी हुई, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक और डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही हम डाल देंगे 1/4 चम्मच काला नमक। काले नमक का भी चटनी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और डाल दीजिए 2 चम्मच फ्रेश दही। चटनी में फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करना है, खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खट्टे दही का फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी और डालकर एकदम बारीक पीस लेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से एकदम बारीक पीस लिया है। आप देख रहे हैं हमारी चटनी में कितना अच्छा कलर आया है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे और जार में थोड़ा सा पानी डालकर इसको साफ करके पानी को बाउल में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। लीजिए, हमारी बहुत ही टेस्टी हरे धनिया और पुदीने की चटनी बनकर तैयार हो गई है। हमारी बहुत ही अमेजिंग सी चटनियाँ बनकर तैयार हुई हैं, इनको खाकर आनंद आ जाएगा। इन्हें आप किसी भी नाश्ते के साथ खा सकते हो और इन्हें साउथ इंडियन डिश के साथ भी खा सकते हो और सर्व भी कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती हैं, तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मेरे तरीके से ट्राई करने के बाद में आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ। थैंक यू।